नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर दिल्ली से है, जहां गाजी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी रहा। किसानों का कहना है कि लगातार मीटिंग हो रही है, लेकिन हमें सरकार की तरफ से अभी तक संतुष्ट आश्वासन नहीं मिल पाया है। हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। कृषि मंत्री तीनों अध्यादेशों में बदलाव करने की बात कह रहे हैं, जिससे किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों की मांग है कि उनकी फसल को हर जगह MSP रेट पर तोला जाए, वह तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाए। समीर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं, जहां किसानों का आज 11वां दिन हो चुका है। लगातार आज भी किसानों का आंदोलन जो है वो जारी है, लेकिन सरकार और किसान के बीच में लगातार 8 बार मीटिंग हुई है। क्या कल जो मीटिंग हुई थी किसानों को और सरकार, किसान और सरकार के बीच में क्या ऐसी बात हो पाई है जिससे सरकार ने किसानों के हित में बात की हो, जिससे किसान खुश हो सके? जो किसानों की मांग थी, क्या सरकार ने उस पर कोई बात की है? जाने के आप लगातार आप देख रहे हो मेरे साथ किसान लोग हैं। सर, जिस तरीके से कल मीटिंग हुई थी, क्या सरकार ने आपके हित में क्या क्या बात करी थी? सरकार ने हमारे हित की कोई काम बात नहीं की है। हम जो हमारी तीन मांगे हैं, तीनों बिल इन्होंने ये खत्म करने चाहिए। इतने ये तीनों बिल खत्म नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा, लेकिन जो कल मीटिंग हुई थी उसमें मीटिंग में कोई बात नहीं की जिससे आपके हित में जो हमारे हित में हो। हाँ। कोई बात नहीं हमारे हित में। लेकिन यहाँ पर 11वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक किसानों के हित में सरकार ने बात नहीं करी है। लेकिन सरकार कह रही है कि आंदोलन जो है किसानों का जारी है। यदि सरकार ने आपके हित में बात नहीं करी और आपकी मांगे पूरी नहीं करी, जो अद्यतन जो तीन कानून है उसको वापस नहीं लिया, तो आप क्या करोगे उसके बाद? देखो, जब तक ये तीन कानून वापस नहीं होते तब तक हम यहीं रहेंगे, यहीं धरना प्रदर्शन रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे अपना। हमारे जो किसान हैं सब अपना राशन पानी लेके आए हैं, हमारा यहीं अपना राशन पानी बनता है और अपना हम यहीं रहेंगे। इतना ये तीनों बिल ये जो है खत्म नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ बड़े बूढ़े लोग भी हैं जो अपनी 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 तबीयत को ना देखते हुए बल्कि किसान के अपने उस पे आए हैं यहाँ पर, ताकि उनकी मांगे पूरी करी जाए, जो तीन अध्यादेश कानून आए हैं उनको वापस लिया जाए, क्योंकि अब ठंड भी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये ठंड को ना देखते हुए यहाँ पर हैं। बाबा जी, आप यहाँ पर कितने दिन से मौजूद हैं? भैया हमें 9 दिन। अच्छा, 9 दिन हो गए आप यहीं हो? 9 दिन यहाँ 9 दिन। अच्छा, ये बताइए, ठंड काफी है और आप बड़े बूढ़े भी, बुजुर्ग लोग भी हो, ठंड तो हानि हो सकती है आपके लिए, लेकिन फिर भी इतना क्यों, सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? क्यों नहीं सुन पा रही है सरकार? सुन रही सरकार बेटा। हाँ। मैंने सुलह होते आइए, सुलह कर ले तो अच्छा है। हाँ। सुलह कर लेनी चाहिए, मोदी है किसानों के बीच। बाबा, उम्र कितनी आपकी? 57। 57 साल के बाबा है। अच्छा, 97 बोलो, 97। बाबा की जो उम्र है वो 97 है, लेकिन अपनी तबीयत को ना देखते हुए अपनी सबसे पहले अपनी मांगे को उनको लेकर यहाँ पर विशेष करें। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात जानेंगे। बाबा, कितने दिन तक यहाँ पर लगातार आंदोलन रहेगा, क्योंकि सरकार तो ऐसे नहीं सुन पा रही है? अभी कुछ पता नहीं कितने दिन रह जा, जब तक याद ना सुनेगी जब तक हम भी इसको इंतजार कर रहे हैं। हाँ। इनका इंतजार करेंगे, कब तक ये किसान का धैर्य देखना चाह रहे हैं? लगातार कई किसानों के बीच, सरकार के बीच लगातार कई मीटिंग हो चुकी है। 8वीं कल मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई भी सरकार ने किसानों के हित में बात नहीं करी है। इनके मन में पाप है। हाँ। इनके पेट में पाप है। ये बढ़िया नहीं, किसान हित के नहीं है ये। हाँ। ये व्यापारी हित की सरकार है, ना देहात हित की है, ना जमीन से जुड़े हुए, ना जमीन का ना पता, ना फसल का पता, ना फसल कैसा पैदा हो। इन्होंने तो कानून बना दिया, बस कानून का ही नहीं, यही पता नहीं कानून युग तुमने बनाया क्या है, ना तो जनता को समझा सके आज तक। अगर ये कानून हमने जो है इसलिए बनाया। सरकार कह रही है कि इस कानून में कुछ बदलाव लाए जाएंगे, लेकिन आपने कुछ ऐसी बात सुनी सरकार की कि सरकार ने इस कानून में बदलाव लाए? बदलाव कहीं तो इन्होंने मोल थोड़े खरीदने। हाँ। इन्होंने तो बनाने, यहाँ से करना जो कुछ करना है तक करना, कभी विदेश से नहीं मंगाना इन्होंने, कहीं मोल बाजार से नहीं लाना, तो अपने आप बनाना करना बस। अगर अगली जो मीटिंग है, अगर उसमें भी आपके हित के समान अगर सरकार ने बात नहीं करी, तो फिर उसके बाद सर क्या बाबा, आप क्या विशेष कर पाओगे? हम तो बैठे हैं, हमने कहीं से अनाज मोल नहीं लाना, फल सब्जी मोल नहीं लानी, कोई सामान मोल नहीं लाना, हमारा तो घर का पैदा हो रहा है,
हम तो अपना बना रहे खा रहे, अब जब इनकी समझ में आओगी जब सुन लियो, हम नहीं कह रहे ये 9 तारीख धर लो, 9 से अगली धर लो, अगले साल की धर लो, 6 महीने की धर लो, हमें क्या दिक्कत है। हम तो अपनी बात मनवाना है, अपनी बात कहना है सरकार से। सरकार को इतना टाइम नहीं है कि हमारी बात सुन ले, ऐसा पहली बार हो रहा सरकार नहीं सुन पा रही। सब बातों को ने पता है, एक बात बताओ, जब कोरोना काल चल रहा था तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ रही सरकार के आगे के ये कानून थोप दिया। सरकार का बहुमत ना होते भी जबरदस्ती इन्होंने पास करा दिया, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। 26 जनवरी की परेड निकाल लेंगे ये, और 26 जनवरी को किसान भी अपनी परेड काटेंगे, दिखावेंगे इनको। अब ये 26 जनवरी को देखेंगे, अब ये भारी परेड को निकलन देंगे या नहीं निकलन देंगे, या गोली चलाओगे या लाठी चलाओगे, क्या करेंगे हम 26 जनवरी को देखेंगे इनको। 26 जनवरी तक हम यही डटते हैं। लगातार जो सरकार किसान के बीच जो मीटिंग हुई थी उससे अभी सरकार ने किसानों के हित में एक भी बात नहीं की। हालात की सरकार ने कृषि जो कानून है उसमें कुछ बदलाव लाने की बात की, लेकिन उससे किसान जो सहमत नहीं है, क्योंकि 3 अध्यादेश कानून जो है उनको वापस ही करना है, और किसानों का आंदोलन यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। मैं सबीर खान, प्राइम न्यूज़ 24 के लिए।